आज का हमारा वीडियो है मेडिसेलिक ऑइंटमेंट यानी क्रीम के बारे में। प्लस गाइस, अगर आप इसका यूज करते हैं सो आपने भी यही सुना होगा कि ये बहुत ज्यादा स्किन लाइटिंग एंड व्हाइटिंग क्रीम है। बट गाइस, ये ट्रू है एंड ये बहुत ज्यादा रिजल्ट भी देता है। इसका इस्तेमाल आप फेयरनेस के लिए भी कर सकते हैं एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क है और लाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं इसे। प्लस गाइस, अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स मार्क्स हैं या फिर आपकी स्किन सनटैन है या फिर आप इसका स्किन डार्क स्किन के लिए करना चाहते हैं या मलाजमा के लिए करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको भी लाइटिंग एंड ब्राइटिंग बना देगा। सो गाइस, आप इन सभी डिजीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बट ये इसके लिए नहीं है। सो गाइस, इसका जो इस्तेमाल मेन डिजीज में किया जाता है वो है सिरोसिस और एक्जिमा। गाइस, अगर आप इसमें करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। एंड अगर आप इसका इस्तेमाल फेयरनेस के लिए करना चाहते हैं, स्किन को लाइट एंड ब्राइट बनाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कम क्वांटिटी में करें और नाइट में ही इसका अप्लाई करें, डे में इसका यूज ना करें क्योंकि इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। आपकी स्किन को ये स्किन लेयर बहुत ज्यादा थिक कर देगा और इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा पिंपल्स भी आ सकते हैं एंड साथ ही साथ रेडनेस और इचिंग की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। सो अगर आप साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। इसमें जो कंपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है इंग्रेडिएंट का, वो आपकी स्किन के लिए सेफ नहीं है। बेहतर यही रहेगा कि आप इसका इस्तेमाल स्किन व्हाइटिंग के लिए नहीं करें। एंड गाइज, इसका जो प्राइस है वो 75 रुपीज है एंड 20 ग्राम्स के पैक में ये आपको अवेलेबल होगी। ये किसी भी मेडिकल स्टोर या कॉस्मेटिक शॉप पर भी अवेलेबल है सो आप परचेस कर सकते हैं। एंड गाइज, इसका इस्तेमाल मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं एंड इसके साथ आपको माइल्ड फेस वॉश का ही यूज करना है। बाय द वे गाइज, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसका इस्तेमाल स्किन व्हाइटिंग के लिए नहीं करें। बिकॉज गाइज, इसका इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सिरोसिस और इचिंग जैसी प्रॉब्लम में किया जाता है। सो आज का हमारा यही वीडियो था। इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।